माध्यम से ऑपरेशन अजय के माध्यम से इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति है और गोली किसी को देखती नहीं कि इजराइल का नागरिक है कि रूस का नागरिक है कि भारत का नागरिक है, गोली टक से आके लगती है और सीधा स्वर्ग लोक है ना। तो ऑपरेशन अजय के माध्यम से बच्चे इजराइल में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो कि बच्चे अभी हाल ही में सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान में क्या चल रहा है बच्चा? गृह युद्ध चल रहा है। तो सूडान का जो गृह युद्ध है बच्चे, यहाँ से भारतीयों की वापसी के लिए हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कावेरी चलाया। कौन सा ऑपरेशन बच्चा? ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सूडान से हम लोग बच्चा अपने लोगों की घर वापसी कर रहे हैं। अभी आप देखोगे बच्चा म्यांमार में क्या आया था? म्यांमार में मोचा चक्रवात आया। क्या आया था बच्चा? मोचा चक्रवात आया था। और मोचा चक्रवात से बच्चा वहां पर काफी जनधन की हानि हुई, काफी नुकसान हुआ मोचा चक्रवात से। तो हम भारतीयों ने क्या किया बच्चा? उनको मानवता के नाते मदद भेजी। किसको? म्यांमार को। फिलहाल बच्चा म्यांमार हमारा कभी अच्छा नहीं चाहता, फिर भी हम लोगों ने मानवता के नाते बच्चे उसको क्या भेजा? उसको जो है मदद भेजी। और ऑपरेशन करुणा नाम से बच्चे ये मिशन किया गया। किस नाम से? ऑपरेशन करुणा नाम से हम लोगों ने इस मिशन को कार्यान्वित किया। उनके लिए कपड़े, उनके लिए खाने पीने का सामान, उनके लिए दवाइयां, ढेर सारी चीजें बच्चे हम लोगों ने ऑपरेशन करुणा के माध्यम से भेजी। आपको पता होगा बच्चा हाल ही में जो सीरिया और क्या बच्चे आपका सीरिया और तुर्की में भूकंप आया, सीरिया और तुर्की में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप है, 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। और इस भूकंप में बच्चा हम लोगों ने वहां की पीड़ितों की मदद करने की, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए बच्चा कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया। कौन सा मिशन? ऑपरेशन दोस्त मिशन चलाया था। और इस मिशन के माध्यम से बच्चे हम लोगों ने सीरिया और तुर्की में जो लोग पीड़ित थे, आपदा से पीड़ित लोग थे, उनकी हम लोगों ने मदद की थी। सानू जी ऑपरेशन कावेरी बहुत अच्छे बच्चे।